अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद आसिफ, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉप थ्री रेकमेंडेड कॉल सेंटर्स इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, वेयर यू कैन वर्क एंड अर्न मनी। अच्छा, अब मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ बिकॉज देर सो मैनी कॉल सेंटर्स ऑपरेटिंग इन लाहौर जहाँ पर स्कैम हो रहा है एंड पीपल दे डोंट नो कि ये स्कैम है या स्कैम नहीं है, एंड देन दिस गो स्ट्रेट इन एंड दे स्टार्ट वर्किंग आउट देयर। और अल्टीमेटली आपका जो भी आप एनर्जी वहाँ पे पुट इन करते हो, सारी की सारी इट गोज इनटू हराम वे। ओके, सो आई वांट टू गाइड यू कि आपको किस कॉल सेंटर के लिए जाना चाहिए, विच कॉल सेंटर इज़ द बेस्ट फॉर यू। सो द फर्स्ट कॉल सेंटर इज़ माइंडब्रिज। माइंडब्रिज में काम करने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन what you will get at the end of the day is a halal money. Why? Because Mindbase ek badi company hai, as well as it provides mainly the customer service. Apna Mindbase ka koi product nahi hai, they provide customer service to other clients, clients of US, clients in UK, wherever they have their clients. Ab baat ye hai ki Mindbase ke andar aap kaam kya kar sakte ho. Mindbase ke andar different customer service hai, wahan par aap chat support mein bhi kar sakte ho, where aapko English bolni nahi padti hai, एज़ वेल एज़ जहाँ पर आप इंग्लिश में बात करके भी एज अ कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर सकते हो, एज़ वेल एज़ आप वहाँ पर अरबिक कैंपेंस भी होती हैं, वहाँ पर नाइट शिफ्ट भी है, डे शिफ्ट भी है, वहाँ पर 24/7 शिफ्ट चलती हैं, दे हैव सो मैनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो इसमें यह है कि एक जो नुकसान है माइंडब्रिज में काम करने का, वो ये है कि बेसिकली वो सारे कॉल सेंटर्स में इसी तरीके से है कि आपको जो सैलरी होती है वो आपको 10 को मिलती है, 10 के बाद मिलती है ऑफ एवरी मंथ। डजंट मैटर कि आपने एक मंथ में आपने डेढ़ महीना काम किया, आई मीन आपने डेढ़ महीना हो गया आपको स्टार्ट किए हुए, आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली, जब तक 10वीं नहीं आएगी एक महीने की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो दूसरा डिसएडवांटेज है माइंडब्रिज में काम करने का, वो ये है कि आपको स्प्लिट ऑफ मिलते हैं और रोटेटिंग शिफ्ट्स होती हैं आपकी। स्प्लिट ऑफ का मतलब ये है कि आपको कभी कह देंगे कि आपकी जुमे को छुट्टी है, कभी आपकी संडे को छुट्टी है। सो दो छुट्टियाँ होती हैं, मंडे टू फाइव डेज अ वीक, बट दो छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, इन अ वीक। सो उसमें आपको कभी कह देंगे कि आपने वेडनेसडे को आपकी छुट्टी है, कभी कह देंगे कि आपको संडे की छुट्टी है, कभी कह देंगे मंडे की छुट्टी है, ठीक है, संडे को आपको आना पड़ेगा। सम टाइम आप जॉब पर जाओगे सुबह 8 बजे आप जॉब पर पहुँचोगे और आप ड्यूटी पूरी करोगे 8 से 9 घंटों की ड्यूटी पूरी करोगे, उसके बाद आपका मैनेजर आपको कह देगा, रात को जब आप घर जाने लगोगे आपको कह देगा सुबह नेक्स्ट डे आपने इवनिंग में आना है, मतलब आपने 4 बजे आना है, ठीक है, अब 8 बजे नहीं आना। सो वहाँ पर रोटेटिंग शिफ्ट्स हैं और आपकी शिफ्ट्स पैटर्न चेंज होता रहता है और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एंड यू हैव टू वर्क देयर एज वेल एज। माइंडब्रिज इज जस्ट लाइक अ जेल। व्हाई? बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और वहाँ पर आपको आवरली पे किया जाता है, ठीक है ना। सो इवन इफ यू हैव टू गो टू द बाथरूम, यू हैव टू मार्क एमरजेंसी ब्रेक over there, so then you will be able to go bathroom, use bathroom and then come back at your seat and start working out again. So is tarike se mindbridge mein, but the one thing is ki aapko wahan par jo aapki earning hogi wo halal hogi. Now let's talk about the salaries. Unki salaries hoti hain, jo minimum salary wahan par offer hoti hai is above 30,000 rupees, theek hai, so which is also good kyunki that is the minimum wage in Pakistan. Acha, ab dusre call center ki baat kar lete hain. Dusra call center hai DGS एंड आईबैक्स, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से है कि आप वहाँ पर भी डिफरेंट कैंपेंस हैं, दे हैव मोस्टली US कैंपेंस, ठीक है, यू हैव टू सेल इंटरनेट, लैंडलाइन एंड TV सर्विसेज इन US मार्केट, ठीक है, फॉर दैट आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पर सैलरी रेशो ज़्यादा अच्छी है, 70,000-80,000 सैलरी होती है, 1 लाख प्लस भी होती है सैलरी समटाइम्स, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ। वहाँ पर जॉब करने के लिए आपको मिनिमम ऑफ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है समटाइम्स, बट समटाइम्स दे डू एक्सेप्ट इंटरमीडिएट एज वेल, सो ये आपको उनसे चेक करना पड़ेगा। बट दे हैव नाइट शिफ्ट मोस्टली, वहाँ पर आपको अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी थे वो ज़्यादा मिल सकती हैं बिकॉज दे हैव सेल्स, उनका जो ज़्यादा काम है वो सेल्स का, ठीक है, एंड वन यू मेक सेल यू अर्न अ प्रॉफिट, यू अर्न अ कमीशन। अच्छा जी, थर्ड जो है, अब हम आ जाते हैं जी थर्ड की तरफ। अब थर्ड जो है वो अगेन उर्दू कॉल सेंटर्स हैं, सम ऑफ द उर्दू कॉल सेंटर्स जस्ट लाइक वारिद, जैज़, इस तरह के जो कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पर आप, अब जैसे कोई जिसको उर्दू बोलनी आती है सिर्फ एंड दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि वो
चूज़ कर सकते हैं वारिज जैज जैसे कॉल सेंटर्स। अब वारिज जैज जैसे कॉल सेंटर्स आपको कहाँ से ढूंढने हैं, माइंड ब्रिज की दो तीन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एक इगर्टन रोड पर और एक उसके बिल्कुल शाहीन कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा आगे जाके गड़ी शाह लाहौर के अंदर मैं बता रहा हूँ वहाँ पर है। और वहाँ पर आप वारिज जैज की आई थिंक वहाँ पर चलती हैं कस्टमर सर्विस कैंपेंस, जहाँ पर आप एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो ऑफ वारिज एंड जैज। तो अगर आपने जस्ट इन यू नो उर्दू एनिंग आप कहते हो कि मुझे सिर्फ उर्दू में जॉब चाहिए, सो फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी देर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आपको सिर्फ उर्दू में ही बात करनी पड़ती है एंड देन यू डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी एबल टू गो फॉर दैट जॉब। और उनकी सैलरीज कुछ कम होती हैं, 18,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से, ठीक है, बट देन इज ओनली उर्दू। अगर आप उसमें कन्वीनियंट हैं यू कैन गो फॉर इट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट अ रिमाइंडर कि आप लोग किसी भी छोटे मोटे कॉल सेंटर में ना जाएं, मतलब ये है कि जो कॉल सेंटर किसी गली में किसी छोटी सी बिल्डिंग के अंदर खुला हो वहाँ पर आप जाओ इंटरव्यू देने एंड वो आपको एक्सेप्ट कर लें, वो कहीं 30,000 सैलरी है, 40,000, 50,000 सैलरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जो अर्निंग आपकी होगी वो हलाल नहीं होगी। आई वॉन्टेड टू गाइड यू इन अ डेयर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डिड मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मोर वीडियो आर कमिंग सून। थैंक यू, बाय बाय।